فول گوبی یا بند گوبی بایش یادون بور رو پی کنن آج گسان پنده های بای های اشتی موانی مجد دکان دار یمی شپاد کنان درو کمکن چنیز گرن نیویل کردن یا چنیز بیل پونستی موانکی دخو در بایش دوان کام تاو جا ای موجود بیاتی محنت تر अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू व्हाट टेक्सास सेज। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा आफियत में रखे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाहर काफ़ी ज़्यादा सर्दी है और आज हम आए हैं शुमाली कश्मीर के सोपोर कस्बे के आरमपुरा इलाके में, जहाँ ज़्यादातर लोग सब्जियाँ उगाने के कारोबार से वाबस्ता है। दादा अजदादा तहान कश्मीर में अगर सब्जियों की बात की जाए तो यहाँ काफी ज्यादा सब्जियाँ उगाई जाती है, जैसे कि फूल बंद रोहन मटर गोगजी मुज गाजर इस वक्त कश्मीर में मौसम सरमा चल रहा है और शदीद ठंड की वजह से किसानों को काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वंदस मे बहुत मुश्किल गठ बजे आज तेरान गि यानी आज ठन बजे तान शुह पेमुत लवे जमीन मगर अरान कर अहनत मजूर यूता इंसान मेहनत कर तीता मजूर। शदीद ठंड के बावजूद किसान सुबह सवेरे उठकर हमारे लिए खेतों में काम करते हैं, जबकि ज़्यादातर आबादी इस ठंड में काफ़ी देर तक अपने घरों में ही बैठना पसंद करते हैं। इस मौसम में मूली, साग, पालक, लहसुन, गाजर, गोभी जैसी सब्जियां उगाई जाती है। वंद खतर से लागान आज रोहन लागान गंड लागान मटर लागान पालक बिओल वा आज चीज तैयार ये सब्जियां बाकी इलाकों में भी बेची जाती है। यह बंडपुर वर्मुल कपोर गुरेज यह ऊटी प्रत जाए सब्जी जब बर्फबारी होती है तब ये लोग खेतों में काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सब्जियों की कमी होते है और हमें बाहर के रियासतों से आई हुई सब्जियों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। वंद शॉर्टेज शीर पे चिले कलान जो खास सब्जियाँ बनान कह। हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि किसानों की भरपूर मदद की जाए और इन्हें नई नई टेक्नोलॉजी से बाखबर किया जाए, ताकि इनका यील्ड अच्छा हो और हमें बाकी रियासतों पर मुंतसर रहना ना पड़े। इमो नव नव टेक्नोलॉजी करान नव नव बिओल करान यह हाइब्रिड दिन मटर मगर गवर्नमेंट तरी दी मोल मटर ब्लैक रेटस पे अगर गवर्नमेंट अत तवज्जो दी है गवर्नमेंट दी है अम खतर के मगर गवर्नमेंट छन आज देवा तम खतर के। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक और शेयर करिएगा और मेरी चैनल को फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे जरूर फॉलो करिएगा। तो जब तक मेरी नई वीडियो आती है तब तक के लिए अल्लाह।